रहते हो यहाँ पे? मेरे को तो 10 साल हुआ है। 10 साल? और ये टॉयलेट कब से है यहाँ पे? टॉयलेट तो अभी बहुत साल 15-20 साल हो गया। हाँ, ये टॉयलेट आपका फूटा हुआ है ना? हाँ, पूरा देखा ना आपने। हाँ। तो उससे क्या क्या परेशानी होती है अगर टॉयलेट फूटा है तो? तो घुसता है, मान चूहा आता है बड़ा बड़ा, बैठ भी नहीं सकते उसमें से। चूहा आता है रात को भी मैं गई तभी भी आया था। चूहा ऊपर आता है। तो चूहा कभी परेशान करता है औरतों को जो बैठे हैं? एक औरत को काटा था शायद। मेरा ऑपरेशन हुआ था तो मैं दूसरे के घर पे जाती थी जहाँ पे बैठने का पॉट है वहाँ पे जाती थी, क्योंकि यहाँ पे बैठने नहीं होता था। तीन ही टॉयलेट ही लेडीज़। और लोग कितने रहते हैं यहाँ पे? पूरे 216 घर है। ज़्यादा ही रहेगा, मतलब इतना सारा एरिया के लिए खाली 6 बाथरूम है। दोनों यूज होता है ना, उसमें से भी 2 ही लेडीज के लिए यूज होता है। अभी तो फिलहाल एक ही यूज हो रहा है, क्योंकि जो पॉट टूटा हुआ उसमें कोई नहीं जाता है। उसमें चूहा लोग है, बॉटल्स डाला हुआ है, बच्चे लोग गिर जाएंगे। तो बैठने में क्या तकलीफ होता है गर्भवती महिलाओं को? आपको कुछ अपना अनुभव बताना? बैठ ही नहीं सकते, टॉयलेट का जगह भी कम, थोड़ा ही पैर फिसले पूरा फूट जाए। वजह ब्रेक ऑयल है, जो स्लम में है वो पेन यूज के है, माड़ा के है, बीएमसी के है, जिसको बांध के उन्होंने छोड़ दिया जी। और अगर उनका रूल देखे तो एक सीट है जो 50 लोगों के लिए यूज होनी चाहिए, लेकिन सालों से वो बांध के वो छोड़ देते हैं। लाइक नहीं, पानी भी हमने उसको लेके जाना पड़ता है। यहाँ से तो ठीक है, हम लोग को नज़दीक है टॉयलेट, अंदर से लोग पानी का बोतल लेके डब्बा लेके आते। मतलब पानी बचा तो सिर्फ अपने यूज के लिए बचा, ना उसमें शुरू में डालने के लिए, ना बीच में डालने के लिए, ना लास्ट में डालने के लिए। यहाँ तक के बाथरूम गंदा भी रह गया तो कोई फर्क नहीं पड़ना, चलो क्या। बीमार आदमी है जिसको एकदम झुक के चलता है वो भी काटी लेके दे आता है। अगर हम देखेंगे तो पूरे मुंबई में सिर्फ 15 जगहों पे ही विकलांग लोगों के लिए व्यवस्था है, बाकी पूरे मुंबई में कहीं पे भी नहीं है। तो अगर वो आते तो उन्हें रैंप की सुविधा होनी चाहिए। जेंट्स में डोर नहीं है, अभी आते समय हम लोग का वहाँ से रास्ता है, बाल्टी लेके आ रहा है जेंट्स सामने खड़े, टॉयलेट भी उधर ही। बच्चे लोग को शर्म आता है, साथ में किसी को जाना पड़ जाए, माँ घर का काम छोड़ के बेटी के साथ टॉयलेट जाएगी। मशेरी लावून धुकायचं, सगळं पॅड वगैरे टाकायचे, सगळे बायकांचीच काम। 20 दिन कभी कभी बाथरूम साफ भी नहीं होते, ऐसा है। क्या बोलने का क्या? समजा तिला पीरियड्स आहे किंवा तिला ती सॅनिटरी पॅड घेऊन जाणार आहे, तर असं सुद्धा महिला सांगतात की बॉईज स्पीक अमंग देमसेल्फ की मला माहिती आहे एनजीचा पिरियड कधी असतो, किंवा मी बघितलेलं आहे तिच्याकडे पॅड आहे असं वगैरे सुद्धा। त्यामुळे त्या महिला पॅड बाहेर टाकत नाही, आपण सगळ्या महिलांना दोष देत असतो की तुम्ही पॅड कशी काय आतच टाकता बाहेर टाकत नाही, कारण दे वरी अँड गेट स्केअर्ड की कोणीतरी बघतंय आपल्याला टाकताना। फिर हम लोग दुसरी जगह जाके रहे, वहाँ पे भी मतलब टॉयलेट का इतना ये था ना, बोलते ना कि किसी डिश किसी बर्तन में करके फेंकने का था, ऐसा था। एक दिन हम लोग वहाँ पे नहीं रह पाए, इतना ऐसा कागज पर। टॉयलेट गंदे होते हैं, उधर ही उतने गंदगी में बैठ के मिस्त्री लगा दे, इतना ऐसा कागज भर के लेके आते हैं अंदर बैठ के। पान खाएंगे, थूकेंगे, तब आपको खाएंगे, आगे एक एक दो ये हमारे कोई गाली देंगे। उसमें जैसे उसकी जो सीढ़ी है ना,
में कदम रखने का ही मन नहीं करता। कदम रखने का क्यों मन नहीं करता? ऐसा रहता ही है। अब पहले अभी तो आप गए, अभी थोड़ा साफ है, पर पहले जाते तो इससे भी गंदा था। दिक्कत ये है कि मच्छर भी काटते खड़े रहते हैं। हाँ, काफी मच्छर है यहाँ। बहुत काफी है। हाँ। और कीड़े पीछे वाले संडास में कीड़े हैं। हाँ। और कौन से कीड़े? ये व्हाइट वाले कीड़े। कैसे, कितने कीड़े हैं व्हाइट वाले, बताइए उन कीड़ों के बारे में। मैं तो जाते नहीं उधर, एक ही बार गई थी। हाँ। लेकिन बहुत कीड़े हैं। एक बार गई थी ना, आगे का साफ कर दो, पीछे गई थी तो देखी बहुत निकल रहा था, फिर पानी पूरा नीचे आ रहा था। कितने आते होंगे? बहुत, पूरा बाथरूम भर जाता है। पूरा बाथरूम कितने लगभग, ऐसे बताओ? बहुत इतने वाले पूरे साथ में निकलते रहते हैं। जिस सफेद कीड़ों का आप जिक्र करते हैं उसे मैगेट्स बोलते हैं। 20 से ज्यादा प्रकार के मैगेट्स होते हैं। मैगेट्स ये ऐसे जंतु हैं जो गंदगी पे ऊपर पनपते हैं, वो छोटी आड़ी के जैसे दिखते हैं। और इनका प्रसार ऐसे होता है कि जब वो उसके जो अंडे होते हैं जो दिखते नहीं हैं आँख में, और जो मक्खियाँ उस पर मंडराती है गंदगी पे या टॉयलेट्स में या जहाँ भी, तो मक्खियों के पाँव से ये अंडे और कहीं फैलते हैं। और अगर ये मक्खियाँ कोई खुले घाव के ऊपर बैठ गई तो वो अंडे वहाँ डालती हैं। दूसरा ये कि आजकल डायबिटीज़ का प्रमाण बढ़ रहा है। डायबिटीज़ में ऐसे खुले घाव या जख्म होने के प्रमाण भी बहुत ज़्यादा होते हैं, और ऐसे में अगर मैगेट्स होंगे तो वो इस तरह को जख्म को ख़राब कर सकता है कि उसका ट्रीटमेंट बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो जख्मों के ऊपर फिनाइल डालते थे, सोचते थे कि इसी तरह से जाने वाले और किसी तरह से भी नहीं। तो क्यों बोला मैंने फिनाइल, क्योंकि इतने डिफ़िकल्ट है उनको ट्रीट करना, कोई स्पिरिट से या कोई डेटॉल से जाने वाले कीड़े नहीं है। हाँ, ये गटर से पानी देते, अच्छा भांडा कुंडा में इतने खर्चा जाएगा, नहीं तो क्या करना होगा। वर्षून पानी येते, पावसून येते, और क्या होता है उधर भरेगा ना तो इधर आता है पानी। इधर आता है। लेकिन ऐसा कब से है? अभी तो बहुत बरस निकलता है। कितने बरस से? अभी क्या करेगा, बरसात आएगा तो बरसात का पानी निकालो। लेकिन ये गटर का पानी वो टॉयलेट गटर से आता है? गटर से आता है, एकदम नीचे आए ना मेरा गटर। हाँ। ये भी पानी ऊपर चढ़ता है। हाँ। और टाकी बिकी भरेगा ना वो महिलांच्याकडे, म्हणजे असं नाही बघितलं जात की बापरे ह्यांच्यासाठी कुठे टॉयलेट्स पण नाही आहेत किंवा काय नाही आहेत। एखादी महिला जर म्हणजे हे घेऊन जात असेल, लोटा घेऊन जात असेल, तर तिच्याकडे टवाळकीच्या दृष्टिकोनातून बघितलं जातं। कधी कधी जेंट्स भी घुस जाते बिल्डिंग नहीं है, मतलब दो माले की घर है वहाँ पे ना सब लोग, मतलब ऐसे रीडिंग पे घर होता है ना, जो वो रहता है ना विंडो से रहता है ना बाथरूम, वहाँ पे तो कभी कभी ना लगे रहते हैं। कभी कभी इंसान का तबियत खराब रहता है ना, जैसे जुलाब लाब होता है तो एक से दो तीन बार चले गए तो फिर वो ये बोलता लगता है बहुत ज़्यादा खा लिए थे इसलिए पचा नहीं, अकेले अकेले खाओगे तो यही हाल होगा, ऐसे पीछे से कमेंट पास करते। गली के रास्ते पर हम लोग जाते, गली का रास्ता भी सही नहीं रहता। अभी यहाँ पर एक इसलिए मजबूरी पर है, हम लोग को कोई शौक नहीं है इस मुसीबत उठाना, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी एक आदमी दरवाजे में खड़े हुएंगे तो 10 आदमी देखते हैं, है ना। बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं, अगर कहीं भी जा रहे हैं तो डर नहीं है, गली की तरफ से निकलेंगे तो पता नहीं। इसलिए रात में अगर कोई भी जाता तो अपनी सुरक्षा के लिए अपना कोई आदमी को लेके जाता है, अकेला नहीं जाता। दिन में अब कौन क्या है कौन नहीं है कैसा क्या है, या फिर यदि एक आदमी कुछ गलत हो या किसी चीज़ का खुंदक हो, किसी चीज़ की परेशानी हो, उसके वजह से कोई बदला निकाल लिया, या कभी किसी के ऊपर में किसी का दिल आ गया, चलो कहीं नहीं मिलेगी, अरे बाथरूम तो मिलेगी। एक बार कोई तो बुला रहा था, एक आदमी ऐसे से बुला था, मैं डायरेक्ट भाग गई तो यहाँ पे रुकी।